हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन क्या है, वो कैसे बनाई गई है और वो हमारी बॉडी में कैसे वर्क करती है, उन सब के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलके अपने जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी वायरोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, उन सबको सैल्यूट करें कि उन्होंने इतना एफर्टलेसली वर्क किया है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक ताकि हमें वैक्सीन मिल सके। सो सैल्यूट टू ऑल द साइंटिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वैक्सीन जो है ना, वैक्सीन बनाने का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत लंबा टाइम होता है। बहुत टाइम लगता है कि किसी भी बीमारी के खिलाफ हम वैक्सीन जब बनाते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है। 10 साल, 5 साल, 8 साल, 12 साल, बहुत लंबा टाइम है। बट अगर इतने कम टाइम में आप देख सकते हैं कि 1.5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ये वैक्सीन बन के आ गई है। तो जो ये वैक्सीन, जिन्होंने भी इसमें इतनी मेहनत की है, इतना एफर्ट डाला है कि ताकि हमें वैक्सीन मिल सके, तो रियली उनको सैल्यूट है। ठीक है, तो जान लेते हैं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन के बारे में अगर आपने पूरी डिटेल जानकारी लेनी है तो मैं लास्ट में अपनी वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें मैंने कोवैक्सीन के बारे में बताया हुआ है और डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में भी बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन हमारी बॉडी में क्या करती है, अगर हम किसी वैक्सीन को ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करती है, जिस पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट हम वो वैक्सीन ले रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करवाती है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को जनरेट करती है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट या फिर किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम वो वैक्सीन ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या करवाती है, एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करवाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को। ठीक है, तो कोविशील्ड जो वैक्सीन बनाई गई है वो किसने बनाई है, वो एस्ट्राजेनिका ऑक्सफर्ड बेस्ड वैक्सीन है, यानी कि एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफर्ड ने इस पे रिसर्च करी है, इस पे काम किया है और उन्होंने इस वैक्सीन को बनाया है। बट अब इंडिया में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है और वो कहाँ पे हो रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में सिचुएटेड है, वो इसका क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर इसको कर रहा है। अब देखें कि कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया कैसा गया है, कैसे कोविशील्ड वैक्सीन बनी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसमें हम पूरा वायरस को अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले रहे, इसमें हम क्या ले रहे हैं, इट इज अ रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर वैक्सीन, यानी कि इसमें ये क्या है, रिकम्बाइन किया गया है। इसमें दो चीजों को रिकम्बाइन किया गया, रिकॉम्बिनेंट किया गया, उसके बाद हम उसको एज अ वैक्सीन अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें। दो कौन कौन सी चीज है, पहली चीज है एडिनो वायरस और दूसरा है स्पाइक प्रोटीन ऑफ कोविड-19 दैट इज SARS-CoV-2। इन दोनों को मिला के क्या बनाई गई है, कोविशील्ड वैक्सीन बनाई गई है। हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे हमने एडिनो वायरस लिया है, क्या क्या स्पाइक प्रोटीन होता है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। देख लेते हैं अब इस स्लाइड में मैंने आपको जो फर्स्ट ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये वाला डायग्राम, ये क्या है, एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी में जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन फ्लू होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एडिनो वायरस क्या करता है, कॉमन फ्लू और कॉमन वायरस जो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है वो करता है। तो हमने क्या लिया, क्या किया है, साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस एडिनो वायरस को लिया है और इसको भी क्या किया, मॉडिफाई किया है। ऐसे मॉडिफाई किया है कि इसका नंबर, ये हमारी बॉडी में अपना नंबर ना बढ़ाए और ये हमारी बॉडी को कोई हार्म ना पहुंचाए, इस तरीके से हमने उसको क्या किया, इंजीनियर्ड किया है। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या डाला गया है, एडिनो वायरस को एज अ वेक्टर लिया है। वेक्टर मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब इस एडिनो वायरस के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, जो कोरोना वायरस कि स्पाइक प्रोटीन के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको हमने डाला हुआ है। सेकेंड इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या डाला हुआ है, ये जिसके स्पाइक प्रोटीन है, ये वाला, इस स्पाइक प्रोटीन के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है उसको हमने इस एडिनो वायरस के अंदर डाला हुआ है। अब स्पाइक प्रोटीन क्या होते हैं, वो आपने कोरोना वायरस का ये स्ट्रक्चर देखा होगा, आप तो सभी ने देखा है कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर न्यूज पेपर में, न्यूज में, कहीं भी सोशल मीडिया में, तो वहां पर हमें दिखते हैं कि उसके कोरोना वायरस के ऊपर कांटे कांटे लाइक जो स्ट्रक्चर दिखता है वो है उसका स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, उससे वो क्या करता है, हमारे सेल से, हमारे जो भी बॉडी में जितने सेल्स हैं उससे अट्रैक्ट
अट्रैक्ट करती है हमारा जो सेल है उसके थ्रू उन दोनों का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो वो स्पाइक प्रोटीन जिस जो जीन उस स्पाइक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो जीन हमने एडीनो वायरस में अपना डाला हुआ है, और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कोविशील्ड वैक्सीन के फॉर्म में अपनी बॉडी में ले रहे हैं और उसी को कोविशील्ड वैक्सीन बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझते हैं, हमने एक वैन ली है, ठीक है। वो बाहर से दिखने में पूरी वैन है लेकिन बट उसके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो हमने सब चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने उसकी जो स्टेयरिंग होती है उसको हटा दिया, जो सीट्स होते हैं उसको हटा दिए, वहां पे उसके बदले हमने क्या लगा दिया, अपना बेड लगा दिया, बिस्तर लगा दिया, चादर वादर अपना जो भी चीज होती है वो चीजें रख दी है वहां पे। तो अगर कोई इंसान उसको बाहर से देखेगा, उस वैन को अगर बाहर से देखेगा तो बोलेगा कि अरे ये तो वैन है, इससे हम इधर से उधर जा सकते हैं। बट अगर वो अंदर से उसको देखेगा तो बोलेगा अरे ये तो कुछ और ही दुनिया है, यहाँ पे तो ये तो वैन जैसे कुछ है ही नहीं। तो वही केस हमने कहाँ किया हुआ है, कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के टाइम पे किया है, यानी कि जो एडीनो वायरस है उसको हमने सिर्फ बाहर से जो दिख रहा है वो एडीनो वायरस दिख रहा है, बट उसके अंदर हमने क्या किया है, चेंजेस कर दिए। उसके अंदर तो हमने जो एडीनो वायरस का चीज थी वो चीज तो हमने रखी नहीं है, हमने तो क्या डाल दिया है वहां पे, कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था वो डाल दिया है। तो वैसे ही हमने क्या किया है, अपनी कोविशील्ड वैक्सीन को बनाया हुआ है, ठीक है। बाहर से हमारा एडीनो वायरस दिख रहा है बट उसके अंदर क्या है, जो जीन कोरोना वायरस, जो COVID-19 जो वायरस है उसके स्पाइक प्रोटीन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो उसके अंदर हमने डाला हुआ है। अब इसको जब हम अपनी बॉडी के अंदर लेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेगा हमारी बॉडी के साथ और कैसे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा वो देखते हैं। देखो यहाँ पे जो ये मैंने दिखाया है ये क्या है, वैक्सीन है। ये वैक्सीन हम जो लेंगे वो क्या होगी, उसमें क्या होगा, मॉडिफाइड एडीनो वायरस होगा। ये जो बाहर से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, मॉडिफाइड एडीनो वायरस है। उसके अंदर हमने क्या डाला है, वो जीन डाला है जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, स्पाइक प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके स्पाइक प्रोटीन के लिए, जो SARS-CoV-2 वायरस है, दैट इज COVID-19 जो हमारा वायरस है उसके स्पाइक प्रोटीन के लिए जो जीन रेस्पॉन्सिबल है वो हमने डाला है। अब इस पूरे को हम क्या ले रहे हैं, एज अ वैक्सीन अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। ये क्या दिखाया आपको, ह्यूमन सेल हम अपने बॉडी के अंदर लिया हमने, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, उससे क्या करेगा, मैसेज जाएगा हमारी जो इसका डीएनए है, जो इसका जीन है, नॉट डीएनए, जो इसका जीन है वो क्या करेगा, मैसेज देगा कि अब इसने क्या बनाने हैं, फटाफट फटाफट उसके जैसे प्रोटीन्स बनाने। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की प्रोसेस से क्या बनेंगे, हमारी बॉडी में उसके स्पाइक प्रोटीन का प्रोडक्शन होने लगेगा। जो जो जीन इस स्पाइक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल था वही स्पाइक प्रोटीन यहाँ पे हमारी बॉडी में बनने लग गया। अब ये स्पाइक प्रोटीन किसके हैं, COVID-19 जो कोरोना वायरस है उसके स्पाइक प्रोटीन है। अब हमारी बॉडी पहचानेगी कि अरे ये तो कोई बाहर की चीज आई है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसके अगेंस्ट लड़ाई करनी है, इससे लड़ना है और इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनानी है। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगेगी और इसको क्या कर देगी, हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देगी। अब इन फ्यूचर अगर हमें जो ये रियल कोरोना वायरस है उसका इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, पहचान लेगी इसके स्पाइक प्रोटीन को कि अच्छा ये स्पाइक प्रोटीन तो पहले हमारी बॉडी के अंदर आया था और इसके अगेंस्ट हमने ये वाली एंटीबॉडी बनाई थी, तो फिर से अगर इसका इन्फेक्शन हुआ है तो यही वाली एंटीबॉडीज को निकालो और इसके अगेंस्ट खड़ा कर दो। फिर फ्यूचर में अगर इन्फेक्शन जब होगा तो ये एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई है हमारी बॉडी के अंदर, तो जल्दी से हमारी बॉडी क्या करेगी, रेस्पॉन्स करेगी और जो वायरस होगा उसको हटा देगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये है कि वैक्सीन काम कैसे करती है, कोविशील्ड वैक्सीन वर्क कैसे करती है, ये समझ में आ गया आपको। कोविशील्ड वैक्सीन क्या है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है। वेक्टर वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर वैक्सीन है, रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर वैक्सीन, यानी कि ये दो चीजों को रिकम्बाइन करके बनाई गई है। और किन किन चीजों को कंबाइन किया है, वेक्टर के फॉर्म में हमने किसको लिया है, वायरस को लिया है, एडीनो वायरस। एडीनो भी क्या है, ये एक तरीके का वायरस है, एडीनो वायरस को लिया है, उसके अंदर हमने वायरस का जो भी जिसके अगेंस्ट हमने इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट करवाना है, जिसके अगेंस्ट हमने अपनी एंटीबॉडीज को बनवाना है, वो वाला हमने डाला है। तो रिकॉम्बिनेंट वायरल वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के फॉर्म में कौन है, वायरस ही है, सिंपल सा फंडा यही है, ठीक। अब इसकी डोजेस के बारे में अगर हम बात कर लें तो सभी को पता है इसकी दो डोज रिक्वायर है, फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज। सेकेंड डोज कब लेनी है, 6 to 8 weeks बाद, आफ्टर 6 to 8 weeks, जब हमने फर्स्ट डोज लगवा लिया उसके 6 to 8 weeks बाद। ये क्या है, ये डेटा है अभी का, इससे पहले जो था वो 4 weeks था, बट अभी धीरे धीरे रिसर्च जितनी जितनी आगे कंटिन्यू होते रहेगी उतने वैसे ही क्या होंगे, हमारे डेटा चेंज होते रहेंगे। इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च, जैसे जैसे रिसर्च आगे कंटिन्यू होते रहेगी वैसे वैसे डेटा चेंज होते रहेंगे। सो अभी ये देखने को आया है कि अभी जो जिसने फर्स्ट डोज लगवा ली है उसको सेकेंड डोज 6 to 8 weeks के अंदर लगवानी है, ठीक है।
प्राइसेस की अगर बात करें तो 400 पर डोज स्टेट गवर्नमेंट को मिल रही है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फ्री है। जहाँ जहाँ पे भी सेंटर अवेलेबल होंगे वहाँ पे ये फ्री लगाई जाएगी और प्राइवेट हॉस्पिटल को ये 600 रुपीज पर डोज के अकॉर्डिंग मिल रही है। फिर बात करते हैं इसकी एफिकेसी की। एफिकेसी का मतलब हो गया इसकी परफॉर्मेंस कैसे, यानी कि ये वैक्सीन इफेक्टिव कितना है। ये 70% इफेक्टिव है, ठीक है। ये देखा गया है अभी तक का कि जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं, जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, उसमें ये देखा गया है कि दिस वैक्सीन इज 70% इफेक्टिव, ठीक है। इसकी एफिकेसी 70% है। कोई भी वैक्सीन अभी तक ऐसी नहीं आई है जो 100% इफेक्टिव है कोरोना के अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो साइड इफेक्ट नॉर्मल है, जो हम अपने, अगर हमें याद होगा जब हम छोटे थे या फिर अपने आस पड़ोस में जो बच्चों को देखते हैं उनको वैक्सीन लगती है, उनका वैक्सीनेशन जब होता है तो जो उनको सिम्टम्स होते हैं वैसे ही सिम्टम इसके भी हैं, जैसे कि फीवर हो गया, टायर्डनेस हो गई, वीकनेस हो गया, हेडेक हो गया, मसल पेन हो गया, तो ये सब क्या इसके साइड इफेक्ट है। और साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे तो ये मत समझना कि हमारी बॉडी में मतलब ये दवाई काम की नहीं है, ये दवाई वैक्सीन हमको कुछ और ही चीज लगा दी, ऐसा कुछ नहीं है। साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहे तो इट्स ओके। फिर देखते हैं हु शुड नॉट टेक इट, इसको किसको नहीं लेना चाहिए। तो जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, या फिर पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज है, उनको कोई अलग अलग तरीके की बीमारी है, कोई जो भी है, हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, वो आप सब लोग, ये सब लैक्टेटिंग मदर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, पर्सन विद कोमॉर्बिडिटीज, ये सब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर इसको ले सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और कमेंट कीजिए नीचे मुझे कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।